हेलो गाइस, दिस इज निशी एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लासेस। पिछले के वीडियो में हमने देखा था कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज हम देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। आज हम जानेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में कंट्रोल स्टेटमेंट को किस तरीके से बनाया जाता है, मीन्स किस तरीके से कंट्रोल स्टेटमेंट के प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट, तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है? तो कंट्रोल स्टेटमेंट सिंपल इफ स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट होती है, लेटर इफ एल्स स्टेटमेंट होती है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहला हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट। अब इसके सिंटेक्स क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंटेक्स। क्या देखेंगे? सिंटेक्स। तो सिंटेक्स क्या होती है? इफ, और इफ के अंदर हम क्या करते हैं? कंडीशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कंडीशन यूज करते हैं, इफ कंडीशन। एंड देन फिर यहाँ हम क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट लिखते हैं एंड इसे क्लोज। यहाँ क्या होता है? कंडीशन हमारा दो ही आंसर देता है, या तो वो ट्रू देगा या तो वो फॉल्स देगा। अगर कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो इफ के अंदर जाएगा और स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा क्या होगा? कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो ये है हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट। अब इसको जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं? तो चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताती हूँ। तो जावास्क्रिप्ट, ये हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, सॉरी पेज है, जो भी बोल सकते हो। एक वेरिएबल ले लेती हूँ, एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेती हूँ मैं? 20 ले लेती हूँ। एंड अब मैं यहाँ क्या करती हूँ? कंडीशन लगाती हूँ, इफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 20 होगा तो ये क्या प्रिंट करेगा? अगर x का वैल्यू हमारा 20 होगा तो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या प्रिंट करेगा? दिस इज वैलिड। कुछ भी आप प्रिंट करवा सकते हो। मान लो मैं प्रिंट करवा रही हूँ दिस इज वैलिड, एंड ये रहा इसे रोज कंट्रोल एस। अब मैं क्या करती हूँ? इसे रिफ्रेश करती हूँ। टेक्स्ट डॉट जेएस जो है जावास्क्रिप्ट की जो पेज है, ये हमारी एचटीएमएल में क्या है? इंक्लूडेड है। अब मैं क्या करूँगी? रन करूँगी एचटीएमएल फाइल को। सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगी? डेस्कटॉप में जाती हूँ। यहाँ मैं क्या यूज करूँगी? एजुकेशन में है, एजुकेशन फर्स्ट, इसे रन करती हूँ। देखिए अभी ये क्या कह रही है? दिस इज वैलिड। क्योंकि क्यों ये वैलिड बोल रही है? एक्चुअली मैं एक मिनट देखिए, एक्चुअली में क्या है, यहाँ मैं क्या यूज कर रही हूँ? हाँ, रन वाली फाइल। देखिए यहाँ क्या यूज कर रही हूँ? x इज इक्वल टू 20, मीन्स x का कंडीशन क्या है हमारा? कि x का वैल्यू अगर 20 के इक्वल होगा तभी प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ क्या करती हूँ? 10 डाल देती हूँ, ओके। एंड अब क्या करती हूँ? इसे रन करती हूँ। देखिए एक मिनट, ये अभी भी, ओ सॉरी, देखिए अभी कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है, क्योंकि या हमारा क्या है? कंडीशन क्या है? गलत हो गया। जैसे अब मैं यहाँ लिखती हूँ x का वैल्यू ग्रेटर देन 20 होगा तभी ये प्रिंट करेगा। अब देन अगेन हम क्या करते हैं? इसे रन करते हैं। अब देखिए ये रन करेगा। तो इस तरीके से हम सिंपल इफ के प्रोग्राम बनाते हैं। तो आई होप आप लोगों को सिंपल इफ समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ क्या है? एक ही स्टेटमेंट हम लिखते हैं। तो इफ एल्स में क्या होता है कि हम दो स्टेटमेंट लिखते हैं। अब इसकी सिंटेक्स क्या है? तो सबसे पहले हम क्या यहाँ देखेंगे? इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या है? इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इसकी सिंटेक्स देखिए क्या है। सिंटेक्स क्या हो गई? पहले तो इफ कंडीशन लगाओगे आप, कंडीशन, देन कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो इफ के अंदर वाला स्टेटमेंट वन हमारा रन करेगा, स्टेटमेंट वन। और अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ तो भी कुछ ना कुछ तो प्रिंट करना चाहिए। इफ एल्स में यही होता है कि अगर कंडीशन ट्रू होगा तब भी कोई ना कोई स्टेटमेंट रन करेगा, मींस प्रिंट करेगा, और अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तब भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट रन करेगा या फिर प्रिंट करेगा। हाँ, अब मैं यहाँ क्या करती हूँ? एल्स लगाती हूँ। एल्स, एल्स में फिर स्टेटमेंट, एल्स में कंडीशन कभी नहीं लगता, ये हमेशा याद रखिएगा, एल्स में कंडीशन नहीं लगता है। ये हमारी क्या हो गई? इफ एल्स स्टेटमेंट की सिंटेक्स हो गई। इफ कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ये दो ही आंसर देता है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट वन रन करेगा,
और अगर कंडीशन हमारा फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट टू रन करेगा। इस तरीके से हम क्या यूज कैसे सिंटैक्स बनाते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की, ये सिंटैक्स है। अब इसको प्रैक्टिकली एक समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करती हूँ, इसे कमेंट कर देती हूँ एंड अगेन एक और बनाती हूँ। मान लीजिए वेरिएबल एज लिखती हूँ मैं, एज इज इक्वल टू मेरी कितनी है 19। ओके एक मिनट, वेरिएबल एज इज इक्वल टू क्या है मेरी 19 है। तो यहाँ मैं कंडीशन क्या लगाऊंगी, मीन्स वैसा बंदा जो वोट के लिए एलिजिबल है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा कि एज हमारा 18 या 18 से बड़ा होना चाहिए, मीन्स 18 या ग्रेटर देन 18। सबसे पहले कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगा तो ही वो प्रिंट क्या करेगा। मान लीजिए मैं यहाँ लिखती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड यहाँ लिखती हूँ यू आर, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिखती हूँ यू आर एलिजिबल फॉर वोट, फॉर वोट, आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये अब क्या है, सिंपल इफ में क्या होता है, बस ये अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी ये वाला प्रिंट होगा। बट एल्स इफ एल्स में क्या होता है, कंडीशन फॉल्स भी होता है तब भी ये प्रिंट करेगा। एल्स में फिर हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, और यहाँ इसे पेस्ट कर देती हूँ। अब क्या है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं यहाँ लिखती हूँ यू आर नॉट एलिजिबल, क्या है नॉट एलिजिबल एस। अब क्या करती हूँ इसे रिफ्रेश करती हूँ, देखिए यू आर एलिजिबल फॉर वोट, वो इसलिए क्योंकि यहाँ क्या मैं लिख रही हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और एज मेरी कितनी है 19, तो ये वाला कंडीशन हमारा रन किया। अब मैं यहाँ लिखती हूँ एज 14 डालती हूँ कंट्रोल एस। अब देखिए इसे फिर से रिफ्रेश करती हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, तो यहाँ क्या हो गया कि इल्स वाला पार्ट भी हमारा रन करेगा, मीन्स अगर कंडीशन फॉल्स होगा फिर भी कुछ ना कुछ हमें प्रिंट करके आंसर देगा। जैसे यहाँ मैं एज इज इक्वल टू क्या लिखी हूँ 14, अगर हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो इफ के अंदर वाला स्टेटमेंट रन करेगा और कंडीशन फॉल्स होगा तो इफ के बाद इल्स वाला स्टेटमेंट रन होता है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इल्स वाले पार्ट में कभी भी आप इल्स में कंडीशन नहीं लगाते हैं। ये थी हमारी क्या इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। तो अब हम जानेंगे लेडर इफ एल्स, लेडर इफ एल्स के बारे में। तो मैं एक काम करती हूँ, लेडर इफ एल्स बोलो या फिर आप बोल सकते हो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट। अब ये क्या है देखिए, यहाँ क्या होता है इफ कंडीशन लगाएं, हम यहाँ क्या करते हैं एक से ज्यादा कंडीशन लगाते हैं। मान लीजिए हमारा कंडीशन वन हो गया एंड देन अब यहाँ क्या करते हैं, एक मिनट, सिंटैक्स ओके एंड देखिए अब यहाँ क्या है, यहाँ हम कंडीशन वन लगाते हैं एंड फिर स्टेटमेंट वन देन क्लोज, फिर क्या होती है इल्स वाली पार्ट, इल्स में क्या इफ इल्स में क्या इल्स यूज करते हैं, और यहाँ क्या करते हैं इल्स के साथ फिर इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ फिर ये क्या कंडीशन टू, क्या हो गई हमारी कंडीशन टू एंड फिर हमारी स्टेटमेंट टू हो जाएगी एंड स्टेटमेंट टू के बाद इसे क्लोज। फिर आप और भी कंडीशन लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, मैं सिंपली यहाँ एल्स वाले पार्ट को प्रिंट कर देती हूँ स्टेटमेंट थ्री। यहाँ क्या हो गया कंडीशन वन, अगर हमारा कंडीशन वन सही हुआ तो स्टेटमेंट वन रन करेगा, देन अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो एल्स के पास जाएगा और इल्स के बाद फिर देखेगा एक और कंडीशन है इफ में, इफ कंडीशन टू अगर हमारा सही हुआ तो वो क्या स्टेटमेंट टू रन करेगा और अगर कंडीशन टू भी गलत हो गया तो वो इल्स वाला पार्ट सिंपली रन कर देगा। इस तरीके से आप इफ इल्स इफ स्टेटमेंट में बहुत सारा कंडीशन लगा सकते हो, मीन्स लेडर इफ इल्स में बहुत सारा कंडीशन लगा सकते हो। अब इसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे, तो मैं यहाँ क्या करती हूँ एक वेरिएबल ले लेती हूँ वेरिएबल एंड मैं एक काम करती हूँ एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताती हूँ जिसमें कुछ स्टूडेंट की जैसे कि परसेंटेज मार्क्स है, मीन्स जैसे अगर किसी स्टूडेंट की मार्क्स आपको 80 to 100 के बीच में आती है, 80 to 100 रहती है तो वो मेरिट लिस्ट में आता है, फिर 60 to 70 रहती है, मीन्स 60 to 80 रहती है तो वो फर्स्ट डिविजन। इस तरीके से हम एक कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ एक वेरिएबल बनाती हूँ और मार्क्स लिखती हूँ इज इक्वल टू 45 मान लो लिखती हूँ एंड अब यहाँ कंडीशन लगाना स्टार्ट करती हूँ इफ मार्क्स
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा 80 से एबव और 100 से छोटा, मीन्स 80 टू 100, 80 से एबव साथ साथ क्या होना चाहिए, मार्क्स हमारा, मार्क्स इज लेस देन हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल टू 100 से क्लोज एंड देन। अब यहाँ क्या स्टेटमेंट लिखूंगी मैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसके अंदर मान लेती हूँ, मैं लिखती हूँ यू आर इन मेरिट लिस्ट, यू आर इन मेरिट लिस्ट, इसे मैं क्लोज कर देती हूँ एंड ये रहा। तो ये क्या लिखी हूँ मैं, पहला कंडीशन लगाई, अब मैं क्या करती हूँ एक मिनट, एल्स फिर से इफ, यहाँ क्या कंडीशन लगाऊंगी, एक काम करती हूँ इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी एंड ये रहा कंट्रोल बी, अगेन एक और मैं इसे, अब मैं क्या करती हूँ एल्स इफ को कॉपी करती हूँ एंड कंट्रोल बी। देखिए यहाँ मैं क्या करती हूँ, सबसे पहला क्या है, मार्क्स 80 टू 100 के बीच में होनी चाहिए, तो ये हो गई। अब क्या है, मार्क्स इज ग्रेटर देन हमारा कितना होना चाहिए 60, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड लेस देन कितना होना चाहिए 80, लेस देन 80। सेम वैसे ही यहाँ हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, मान लो 60 टू 80 है और यहाँ मैं लेती हूँ 45 से, अब 45 एंड लेस देन कितनी हो जाएगी 60, कितनी हो गई 60। सेम वैसे ही यहाँ मैं मान लो लेती हूँ 35, ग्रेटर देन इक्वल टू 35 लेती हूँ एंड लेस देन कितनी हो जाएगी 45। और अगर कोई बंदा 35 से भी लेस आता है, मीन्स अगर मैं यहाँ लिखती हूँ else if कोई बंदा अगर लेस देन 35 आता है, लेस देन क्या हो गया 35 आएगा, तो ये क्या हो जाता है, यू आर इन फेल, आप फेल हो, आप इस एग्जाम में क्या हो, फेल हो। और अगर कोई बंदा कोई भी कंडीशन नहीं लगाता है, इतनी सारी कंडीशन में कोई भी कंडीशन नहीं लगाता है, तो हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट, एक काम करती हूँ मैं इसे कॉपी एंड यहाँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्लीज इंटर द वैलिड मार्क्स, प्लीज इंटर द वैलिड मार्क्स, क्या करती हूँ मैं, प्लीज इंटर द वैलिड मार्क्स कंट्रोल एस। देखिए यहाँ क्या है हमारा, सबसे पहला कंडीशन देखिए, इफ मार्क्स हमारा क्या है, एक मिनट, पहला कंडीशन ये, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, मीन्स मार्क्स अगर हमारा 80 से एबव होता है और क्या लेस देन 100, ये देखिए ये क्या है एंड ऑपरेटर, इसका मतलब है कि हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 और मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 100, मीन्स दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तभी ये क्या करेगा, इस वाले पार्ट को रन करेगा। मीन्स ये कंडीशन हमारा पहला, सेकेंड कंडीशन और ये फर्स्ट कंडीशन, ये दोनों को फुलफिल करेगा तभी वो क्या करेगा, इस इफ के अंदर जाएगा। सेम यहाँ भी वही है, अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मीन्स ये वाला पार्ट हमारा रन करेगा। ठीक वैसे ही सारे में होगा। तो देखिए पहला क्या, हमारा मार्क्स अगर हमारा ग्रेटर देन 80 होता है और लेस देन 100 होता है तो क्या प्रिंट करेगा, यू आर इन मेरिट लिस्ट। बट 45 जो है हमारा 100 से तो मिनिमाइज है, मीन्स 100 से छोटा है, बट क्या वो 80 से बड़ा है, नहीं, तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, वो कहाँ आ जाएगा हमारा कंपाइलर, इसके पास आ जाएगा। अब यहाँ देखिए मार्क्स इज क्या है हमारा, ग्रेटर देन 65, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, ये 80 से छोटा है बट 45 जो हमारा 60 से क्या है, 60 से बड़ा नहीं है, तो ये वाला कंडीशन भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब थर्ड नंबर में क्या है, मार्क्स हमारा क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 45 होना चाहिए, तो ये कंडीशन हमारा फुलफिल कर रहा है, क्योंकि मार्क्स हमारा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 45 या 45 से बड़ा होना चाहिए और 60 से छोटा होना चाहिए, तो ये वाला कंडीशन क्या है वो फुलफिल कर रहा है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, यू आर इन मेरिट लिस्ट, सॉरी इसे मैं चेंज कर देती हूँ, यू आर इन फर्स्ट, सॉरी मैं यहाँ क्या करती हूँ, यू आर इन फर्स्ट डिवीजन, क्या हो गया, यू आर इन फर्स्ट डिवीजन, ऐसे करके मैं सारे को क्या करती हूँ चेंज कर देती हूँ। सेम यहाँ मैं क्या करती हूँ इसे हटा देती हूँ एंड यू आर इन क्या हो जाएगा सेकेंड डिवीजन, क्या हो जाएगा सेकेंड डिवीजन, इस तरीके से मैं सारे को रन करूंगी। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ इसे रन करती हूँ, देखिए रिफ्रेश कर, क्या आ गया, यू आर इन सेकेंड डिवीजन,
तो ये थी हमारी क्या लेटर इफ इल्स कह सकते हो या इफ इल्स इफ स्टेटमेंट। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि इफ इल्स स्टेटमेंट क्या होती है, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है। तो प्लीज बने रहिए हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।